हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी शलजम की सब्ज़ी बनाना। शलजम बहुत ही ग्रेट ऑप्शन है लंच के लिए, एज अ विंटर वेजी विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। होती है एक वाइट शलजम भी होती है और रेड भी होती है। हम शुरुआत करते हैं बनाने की। मैं यहाँ पे अनियन चॉप किया है दो, और यहाँ पे मैंने ग्रीन लहसुन ली है, जो ग्रीन लहसुन जो ठंडियों में आती है वो वाली। और मैंने यहाँ पे चिली, ग्रीन चिली ली है, धनिया पत्ता लिया है, और मैंने ये शलजम कम से कम 5 शलजम ली होंगी जिसको मैंने क्यूब में काटा है। और मैंने यहाँ पे 2 बड़े टमाटर लिए हैं। तो शलजम की सब्ज़ी कुकर में इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उसको सीटी लगाना तो कंपलसरी होता है ना, तो वो गलेगी नहीं अगर आप उसको कढ़ाई में बनाएंगे। तो कुकर ले लीजिए, उसमें अपने हिसाब से ऑयल डालिए। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है, ज़ीरा डाला है और हींग डाली है और करी लीव्स डाली है। आप चाहें तो गरम मसाले अखे भी डाल सकते हैं फॉर द टेस्ट। फिर मैंने यहाँ पे चॉप्ड अनियन डाला है, विच इज़ 2 मीडियम चॉप्ड अनियन। अब हम इसको हल्का सा पिंक करेंगे। जैसे ही हल्का सा पिंक हो जाएगा उसके बाद हम ग्रीन लहसुन डाल देंगे उसमें। वाइट लहसुन का यूज़ नहीं करना है, ग्रीन लहसुन का यूज़ करना है। अभी वैसे भी ठंडी जाने वाली है तो आप इसको जल्द से जल्द बना दीजिए, ना तो शलजम वैसे भी मार्केट से चली जाएगी क्योंकि ये सिर्फ विंटर सीज़न में आती है। फिर जैसे ही थोड़ा रेड हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले डाल दूँगी, रेड चिली पाउडर, धनिया, नमक और हल्दी। नमक मैंने अभी नहीं डाला है, अभी मैंने टमाटर डाला है। और आप देख सकते हैं उसके ऊपर ग्रीन पार्ट था लहसुन का, वो भी आपको काट के डालना है टमाटर के साथ। फिर इसके ऊपर मैं नमक डालना भूल गई थी तो मैं अभी नमक डाल रही हूँ। तो नमक डाल के आपको धनिया पत्ता डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर आपको इसको ढक के रख देना है 3 से 4 मिनट के लिए स्लो पर। 3 से 4 मिनट बाद देखिए ये टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब टाइम है इसमें शलजम ऐड करने का। ये देख सकते हैं कितनी सारी शलजम है, ये टोटल 5 थी। आपको छीलना है, फिर इसको काटना है क्यूब्स में और अच्छे से धो के इसमें डालना है। फिर आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है कुकर में डालने के बाद। इसके बाद वापस आपको धनिया पत्ता, मैंने आधा आधा करके डाला था, आपके ऊपर है, धनिया पत्ता डाल देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर एक छोटा ग्लास पानी डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच गरम मसाला डाला है पानी डालने से पहले। आप पानी डाल दीजिए, इसको अच्छे से घुमा दीजिए। फिर हम इसको सीटी लगा देंगे। आपको टोटल इसमें 7 सीटी लगानी है। अब पूरा कुकर ठंडा होने के बाद, सीटी खुद ब खुद निकलने के बाद हम इसको खोलेंगे। आप देख सकते हैं शलजम गल चुकी है। यस, ये गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम ग्राइंड करेंगे मथीने से, जस्ट फॉर द टेस्ट, टू इन्हांस द टेस्ट, मतलब टेस्ट को और इन्हांस करने के लिए। शलजम के जो थोड़ा इसमें वाटर दिख रहा है, उसमें शलजम को थोड़ा ग्राइंड करने के बाद आपकी शलजम और भी ज़्यादा टेस्टफुल हो जाएगी। तो फिर इसको थोड़ा सा मथीने से मिक्स कीजिए और इसको स्लो पे थोड़ी देर पकने दीजिए। ये रेडी है। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से सूखी बनती है। आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है और पराठों के साथ, और ये लंच में ही खाई जाती है। अगर आपको चाहिए तो आप नाइट में भी खा सकते हैं, डिपेंड ऑन पर्सन। ये देखिए बहुत ही स्वाद भाजी होती है, ट्रस्ट मी, आप इनको इसको बना के देखिए, इट जस्ट डिलीशियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।